कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो वहीं सपा के 6 विधायकों के पाला बदलने से अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का रास्ता साफ दिख रहा है, लेकिन सपा की तीसरी सीट साफ साफ फंसती दिख रही है, जिसको लेकर अब कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि सपा के प्रत्याशी जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन में से किसी एक की हार हो सकती है। पर वरीयता के हिसाब से सपा प्रत्याशी आलोक रंजन का मामला इस चुनाव में बिगड़ सकता है, क्योंकि सपा ने उन्हें तीसरे स्थान पर रखा था। सपा के खेमे में हुई सेंधमारी के चलते आलोक रंजन के लिए राज्यसभा सांसद बन पाना अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। वहीं एनडीए के 8वें उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन सपा के जिन विधायकों ने पाला बदला है उन्हें अखिलेश यादव ने सख्त हिदायत दे दी है। साथ ही साथ बीजेपी पर हर संभव प्रयास करने को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर सपा विधायकों पर दबाव और लालच देने का आरोप लगाया। कहा, विधायकों से कहा होगा कि आपके मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे, पैकेज देने की बात भी सामने आ रही है कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। खैर, जो भी हो, अखिलेश यादव का कहना है कि सच्चे साथियों की पहचान के लिए ही तीसरी सीट, और उनके मुताबिक यही तीसरी सीट की जीत है। शाम को राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, पर आज का दिन पार्टी और अखिलेश के लिए तनावपूर्ण रहा। अब आगामी चुनाव में अखिलेश इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या रणनीति अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।